था आपने? अच्छा, मेरा मेरा काम बन गया, काम किया आपने? दो तीन दिन से मैंने दो दिन में रिजल्ट मेरे को मिल गया। अच्छा, कैसे किया था आपने? मतलब मैं ऐसे पड़ रहा काला कलवा चौसठ भी, मेरा कलवा भागा थी, जहाँ को भेजू वहाँ को जावे, मांस मुझे को चौकी आवे, अपना मारा आप ही खावे, चलत वान मारू है इसी साथी, इतना काम मेरा ना करे तो सीधे तेरी माँ का दूध हराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको दो दिन में असर दिख गुरु जी का, गुरु जी का शुक्र मानता हूँ मैं जी। मतलब जो जो व्यक्ति मेरे को बुलाती नहीं थी, अभी वो मेरे सामने को, सामने से मेरे को बुलाती है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, भगवान। मतलब मेरे को, मेरे को कोई, हेलो गुरु जी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब मेरे को अपना नहीं, मतलब अपना जो सम्मान बोलता है वो सम्मान, सम्मान मिलता अपना, वो ही बस है, कोई गलत कुछ कार्य करने का नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, तभी मन सच्चा था ना, तभी आपको इसका असर दिखा। ठीक है गुरु जी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ गुरु जी, एक बात बताऊँ जी, कि मेरा 6 लाख रुपया फंसा हुआ है दोस्त के पास, ऐसे है ईमानदार, ब्याज देता था अभी, लेकिन वो फंस गया, पैसा आने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा। अभी मैं बहुत दिक्कत में हूँ। ठीक है, ठीक है, आप एक बार व्हाट्सएप पे सारा कुछ भेजिए, मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, ठीक है। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आपने देखा होगा कि कई साल पहले मैंने एक मंत्र आपको दिया था, काला कलवा चौसठ वीर, और ये इतना सार्थक साबित हुआ कि लगभग मेरे 90% क्लाइंट्स का इसने काम बना दिया। और उसके बाद जो है इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि जो भी कोई मुझे कॉल करता है वो कहता है, गुरु जी कोई ऐसा मंत्र दीजिए जैसा आपने वो काला कलवा दिया था। और इस मंत्र ने चमत्कार कर दिया, जितने भी लोग थे सभी ने इस मंत्र को सराहा है, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ ये मंत्र है। इतना प्रभावी मंत्र विरले ही आपको कहीं मिलेगा जो काला कलवा मंत्र था। अब उसी श्रृंखला में एक और अजूबा लेकर आया हूं मैं, मोहिनी बाण इस मंत्र का नाम है। इस मंत्र को मोहिनी बाण भी कहा जाता है, मतलब एक बार किसी पर यह छोड़ दी गई तो ये बाण खाली नहीं आएगी, सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। मैंने असंख्य ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें कि कोई मतलब संभावना ही नहीं होती कि कुछ होगा, लेकिन एक चमत्कार हो जाता है, एक ऐसी शक्ति होती है जो कि आप जहाँ तक सोच नहीं सकते वो वहाँ तक पहुँच जाती है। आप दिन गिनते रह जाते हैं और वो पल भर में काम कर देती है। पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन इस धरती पर, इस धरा पर वो सब मौजूद है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है, और अगर प्रकाश है तो अंधकार भी है। जब जब हम इसकी गर्द में जाते हैं, जब हम अधिक जानना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी कुछ नहीं पता। बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी भी कहीं छुपा पड़ा है, हमसे कहीं दूर है, और हम ये छोटे छोटे अंश जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य, बहुत ही ऐसा मंत्र जो कि विरले ही किसी के पास होगा, जो कि आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना दे, जो कि किसी को मोहित कर दे। ये प्राचीन काल से अब तक बचा हुआ है, और हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो इसे सहेज कर रखते हैं। मतलब हर किसी को नहीं दिया जाता ये, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने मेरे साधक हैं, जितने भी तंत्र को सीखने की इच्छा रखते हैं, ऐसे इच्छुक व्यक्ति बहुत हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें ऐसा मिले जो कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर दे। तो जैसा कि आपने ऑडियो में सुना, तो इन भाई साहब का जो है काम बन गया, और ऐसे असंख्य लोग हैं जिनका काम बना है। और जब कोई ऐसे मुझे कहता है कि गुरु जी मेरा काम बन गया, और इस आप एक बार देखिए इनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, कितने
खुश हैं ये। तो बस यही है मेरी सच्ची कमाई, जो कि किसी का बिगड़ता हुआ संसार अगर आप बचा सकते हैं तो इससे बेहतरीन क्या होगा। यदि किसी रूठे हुए को आप बना सकते हैं तो इससे बेहतर क्या होगा। तो इसी कामना के साथ कि आप जो हैं इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करेंगे और इस मंत्र से अपने बिगड़े हुए कार्यों को बनाएंगे, संपन्न करेंगे, इसी आशा में ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। अन्यथा इस मंत्र को किसी को भी बताने की मनाही है। और आज नए महीने की शुरुआत पर आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में डालूंगा और इसके बाद जो है कमेंट्स की और रिप्लाईज़ की लाइन लग जाएगी कि गुरुजी ये क्या दे दिया। इससे तो देखते ही देखते हमारा काम बन गया। ये इतना सटीक है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार मंत्र पढ़कर जो भी फलास्त्री हो, जो भी पुरुष हो, उसकी तरफ फूंक मार दीजिए और फिर देखिए किस तरह से ये चमत्कारी वाण अपना काम करती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। थोड़ा बड़ा है, इसको आप लिख लीजिएगा और यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप जो है आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, तो मैं इसकी जो है आपको लिखित में आपको ये दे दूँगा। और यदि आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप जाइएगा searchstops.com पर, वहाँ पर आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मंत्र मिल जाएगा, ऑडियो मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स होकर फिर भी आपकी जो दिक्कत है वो दूर ना हो तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मंत्र शुरू करते हैं। मंत्र है, गंगा किनार की पीली पीली माटी, चंदन के रूप में बिके हाटी हाटी, तुझे गंगा की कसम, तुझे कमक्षा की कसम, माफ कीजिएगा, तुझे कामाख्या की दोहाई, मान ले सतगुरु की बात, दिखा दे करामात, खींच जादू का कमान, चला दे मोहन बान, मोहन जन जन के प्राण, तुझे गंगा की आन, ओम नमः कामाख्या, रीम क्रीम श्रीम फट स्वाहा। तो इस मंत्र का बस आपको एक बार जाप करना है और इसके बाद अब जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपकी मनोदशा हो, उसको कह दीजिए कि मुझे जो सामने वाली स्त्री है वो मुझसे आकर्षित हो जाए और इसके बाद उसकी तरफ फूंक मार दीजिए तो पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। मंत्र एक बार फिर से, गंगा किनार की पीली पीली माटी, चंदन के रूप में बिके हाटी हाटी, तुझे गंगा की कसम, तुझे कामाख्या की दोहाई, मान ले सतगुरु की बात, दिखा दे करामात, खींच जादू का कमान, चला दे मोहन बान, मोहे जन जन के प्राण, तुझे गंगा की आन, ओम नमः कामाख्या, रीम क्रीम श्रीम फट स्वाहा। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही गूढ़ मंत्र है जो कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको ना मिले, लेकिन षठ कर्मों में जो मोहन कर्म है उसके भीतर आज मैंने आपको ये मंत्र दिया है, जो कि पहले ही दिन से आपके काज बनाने शुरू कर देगा। इसको कभी भी किसी का दुरुपयोग करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। इस मंत्र से आप अगर चाहें तो किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, लेकिन आपके भीतर भी सच्चा प्यार होना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुमति होती है, कुबुद्धि होती है, जिससे कि मंत्रों को वो किसी का अहित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसा कतई ना करें। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि इन मंत्रों का प्रयोग जन कल्याण के लिए हुआ है, किसी का अनिष्ट ना करें, अन्यथा वो जो चीज़ें हैं वो घूम फिर के आपके ऊपर भी आ सकती हैं। तो इस मंत्र को बुधवार के दिन आपको एक बार, जब भी आपको दिखे उस दिन एक बार आपको ये मंत्र बोल देना है, लेकिन सबसे पहले बुधवार के दिन इसको सिद्ध करना होगा। शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है,
लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आपको इसकी 1008 की संख्या में जप करना होगा बुधवार के दिन। इसके बाद किसी भी दिन जब भी आपको आपका साध्य दिखे, चाहे वो कुछ खा रहा हो या फिर आपके पास बैठा हो, समीप हो या दूर हो, बस आप उसे देख पाएं, उसको देखकर इस मंत्र को एक बार उस पर लगा दीजिए, फेंकिए बाण, और उसके बाद सामने वाला जो है वो मोहित हो जाएगा। ऐसा मोहिनी बाण है जो कि एक बार लग गया तो किसी के हटाए नहीं हटेगा। इस तंत्र को, इस गुप्त विद्या को सोच समझकर ही कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद, एक बार लगने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसे निकाला नहीं जा सकता। उम्र भर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए वो जो व्यक्ति है वो आप पर रीझ जाएगा, आपके चरण धो धो के पिएगा। यूँ समझिए कि एक तरह से आपका दास बन जाएगा। अगर आप दिन को दिन कहेंगे तो वो दिन को दिन कहेगा, आप दिन को रात कहेंगे तो वो दिन को रात कहेगा। मतलब आपने जो कह दिया वो उसके लिए पत्थर पर लकीर है। इस तरह की सम्मोहन शक्ति के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं पर कोई त्रुटि लगे, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या मुझे मेल कीजिएगा info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।